السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون नाज़रीन करा, अल्लाह तबारक व ताला का बेपाया शुक्र और एहसान है कि उसने अपने फ़ज़ल से फिर एक बार रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारी और आपकी ज़िंदगी में लाया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस महीने की एक एक मिनट को, एक एक सेकेंड को हमें क़द्र करके उसके अंदर खैर, भलाई, नेकी, ये तमाम काम करने की अल्लाह हमको आपको तौफीक नसीब फरमा, आमीन। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना बंदे मोमिन को जिसका बड़ा इंतज़ार होता है और इसके लिए दुआएं अल्लाह के बंदे किया करते हैं, इसलिए सलफ़े सालेहीन की ज़िंदगियों को जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने को हासिल करने के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआएं किया करते थे, कहा करते थे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, के अल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने तक हमें पहुंचा दे, रमज़ान मुबारक का महीना हमें अता कर दे ताकि उन महीनों को पा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्बत इलाही और अल्लाह को राजी करने वाले जो आमाल हैं उन आमाल को हम अंजाम दे सकें। रमज़ान मुबारक का ये वो महीना है जिस महीने को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी और आपकी तरबियत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए इसका इंतज़ाम किया है। रमज़ान मुबारक का ये महीना हर 11 महीने के बाद एक बार ये महीना आता है और इस महीने के अंदर हमारे लिए, आपके लिए बहुत सारे पैगामात और बहुत सारे असबाक हैं। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर हम और आप देखते हैं कि हर तरफ खैर ही खैर नज़र आता है। ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इसके लिए इंतज़ाम किया जाता है। जैसे रमज़ान की शुरुआत होती है फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जितने भी सरकस किस्म के शयातीन हैं, जिन्नात हैं, इन तमाम को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है और बंदे मोमिन के लिए माहौल को साजगार कर दिया जाता है। तभी तो हम देखते हैं जो इंसान मस्जिदों से दूर था वो मस्जिद से करीब होने लगता है, जो कुरान से दूर था वो कुरान से करीब होने लगता है, जो झूठ बोल रहा था वो सच बोलने लगता है, जो दूसरों को तकलीफ दे रहा था वो दूसरों की मदद करने वाला बन जाता है। और रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में यानी जिक्र, अजकार, दुआ, मुनाजात, इन तमाम खैर के कामों में इंसान अपने आप को आगे आगे करने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते हैं या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर अक्सिर, ए खैर के तलबगार, ए खैर हासिल करने वाले आगे बढ़ और आगे बढ़, खैर के कामों में जिस कदर तू आगे बढ़ना चाहता है बढ़ता जा। और इसी तरह से शर, बुराई करने वाले से कहा जाता है कि तू बस कर, अब इससे आगे मत बढ़। लिहाजा रमजान मुबारक का यह बाबरकत महीना कोई बंदा पाए और इस महीने की कदर ना करे ऐसे इंसान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, उस पर आमीन कहा। अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन ने भी और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो आदमी रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना पा ले और इस महीने की अगर कदर ना करे, अपने अंदर कोई तब्दीली ना लाए, अपने अंदर चेंजेस ना लाए, अपनी बख्शिश ना करवाए, तो ऐसे इंसान का नाक खाक आलूद हो जाए यानी वो खसारा उठाने वाला हो जाए, तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन हो सकता है। मेरे भाइयों,
गौर करो, जरा सोचो, अभी हम और आप COVID-19 से निकले हैं। हमारे पास जब ये सहूलियात नहीं थी, मस्जिदें हमारी बंद थी, हमारे कितने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार अजीज व अकारिब जिनको ये मौका नसीब नहीं हुआ वो दुनिया से चले गए। ज़रा तसव्वुर करो कि अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और मालूम नहीं कि ये रमज़ान हमारी जिंदगी का कहीं आखिरी रमज़ान हो जाए, इसके बाद आने वाला रमज़ान हमको मिले या ना मिले, इस बात की क्या गारंटी है। लिहाजा इस महीने के अंदर आप अपने आप को खूब इबादतों में मसरूफ रखें, खूब थकाएं, अनथक कोशिश करें, मेहनत करें, रब्बुल आलमीन को राजी करने वाला आमाल जितना कर सकते हैं करें। यह महीना कुरान का महीना है, कुरान से अपने आप को जोड़ें, कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें, कसरत से करें, कुरान मजीद को याद करने की कोशिश करें। यह महीना दुआओं का महीना है, खूब दुआएं करें इस महीने के अंदर, अल्लाह से अपनी जायज तमन्नाएं और जरूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। ये महीना सदका और खैरात का महीना है, अल्लाह ने जो भी दिया है जितना भी दिया है आप इन अय्याम में खूब खर्च करें, क्योंकि तकलीफ और परेशानी के वक्त में जो चीज अल्लाह की राह में दी जाती है वो ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को होता है। ये महीना मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने का वो महीना बनी, अल्लाह के बंदों के साथ खैर खाही, हमदर्दी, गमगुसारी करने का महीना है। मेरे भाइयों इन तमाम खैर के कामों को अंजाम दें, सब्र का महीना है, हम सब्र के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें मेरे भाइयों। और ये महीना हमको और आपको कुछ पैगाम और कुछ मैसेज भी देता है। रमजानुल मुबारक का ये महीना हमको ये पैगाम देता है कि जिस तरह से तूने इस एक महीने की कदर की है, एहतराम किया है, बकिया 11 महीने भी तुम ऐसी ही जिंदगी गुजारना। जिस तरह से रमजान में हमने झूठ नहीं बोले, वादा खिलाफी करने से हम बचे, जुल्म करने से हम बचे, हम दूसरों के साथ मुनाफिकत करने से बचे, हम गलत चीज को देखने से अपने आप को बचाए, गाली गलूज से हम बचाए, ऐसी सूरत में ये अमल जिस तरह से तुमने रमजान के एहतराम में इन कामों को किया है, रमजान हमारी ये तरबियत कर रहा है, हमको ये ट्रेंड कर रहा है कि 11 महीने भी तुम इसी तरह से गुजारना। इसी तरह से रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारी तरबियत में ये तरबियत भी हमारी करता है कि हमारे अंदर जो दो किस्म के बड़े बड़े शहवात हैं, शहवतुल बतन और शहवतुल फर्ज, यानी शहवतुल बतन पेट की शहवत, यानी इस पेट को भरने के लिए इंसान दुनिया में क्या क्या नहीं करता है, भूख प्यास को मिटाने के लिए हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं करता है, दूसरों पे डाके डालता है, जुल्म करता है, नाजायज तरीके से नाजायज लुकमा हराम खोरी अपने अंदर इंसान अपने पेट के अंदर डालता है। आप रोजा रख करके एक भूखा प्यासा रह करके ये हमको तस्वर और ये मैसेज दिया जा रहा है कि हलाल रिस्क अगर मिले तो खाना, और अगर हलाल रिस्क ना मिले तो हराम रिस्क नहीं खाना, रोजा रख लेना। और तसव्वुर करो कि कितने ऐसे मिस्कीन हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो भूखे जिंदगी गुजारते हैं दुनिया के अंदर। हमारा मकसद दुनिया के अंदर सिर्फ खाना नहीं होना चाहिए, जिंदा रहने के लिए हम खाएं। तो लिहाजा ये वो रास्ता है जिसके जरिए से इंसान को शैतान गुमराह करता है, लेकिन रोजा ये वो अमल है जिस अमल की वजह से इस शहवतों को कुचल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और दूसरा जो शहवत आपके सामने बयान किया, शहवतुल फर्ज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल लोग सबसे ज्यादा जहन्नम में किस वजह से, किस अमल की वजह से जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल लोग जहन्नम के अंदर अपनी दो चीजों के गलत इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे, एक अपना ज़बान जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से, और एक शर्मगाह गलत जगहों पर इस्तेमाल करने की वजह से लोग जहन्नम में कसरत से डाले जाएंगे। आज शहवतुल फर्ज जिसकी वजह से बेहयाई, बेहयाई, उरियानियत, फहाशियत, जिनाकारी, बदकारी, ये सारे काम इसी की वजह से हो रहे हैं। लिहाजा इस्लाम ने हमारे लिए हदबंदी कर दिया और हलाल तरीके से इन ख्वाहिश को पूरी करने का हुक्म दिया। कहा कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल बा फलयतज़वज, ए नौजवानों की जमात,
तुम में से जो निकाह के काबिल हैं वो निकाह कर लें, और जो निकाह की ताकत नहीं रखते हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें चाहिए कि वो रोजा रख करके अपनी ख्वाहिशात को कुचलें, अपनी ख्वाहिशात को दबाएं। मेरे भाइयों, रमजान का रोजा हमको ये पैगाम दे रहा है, रमजान का रोजा हमको ये भी हमारी तरबियत और ट्रेनिंग कर रहा है कि जिस तरह से हम रमजान के रोजों में कोई चीज अल्लाह के डर से हम खाते और पीते नहीं है, जब तक के वक्त ना हो जाए, वक्त से पहले बंद कमरों में तन्हाई में रहते हुए भी हम कोई चीज को हाथ नहीं लगाते, ये तस्वूर कि अल्लाह देख रहा है। जिंदगी में हमेशा ये तस्वूर रखो कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, अल्लाह के इल्म से हम बाहर नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम नाजायज और गलत काम करने से अपने आप को हम बचाएंगे। ये तस्वूर और ये एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होना चाहिए हमारे अंदर। इसी तरह से रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने का पैगाम और मैसेज और हमारी तरबियत जो है वो ये भी है कि हम खूब मेहनत करें। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमको आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में हम ये ना सोचे कि हम रोजा हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, अब हम आराम से सिर्फ सोएं, रेस्ट करें। नहीं मेरे भाइयों, बल्कि हम खूब खैर के काम करें, मेहनत के काम करें, रिस्क कमाने और माश का मसाला हल करने की जो मेहनतें हैं वो तमाम कामों को अंजाम दें हम। आप देखिए तारीख के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र रमजान में रोजे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से लड़ा और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। आप देखिए फतह मक्का रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मेरे भाइयों, इन तमाम बातों से यही बात मालूम होती है कि रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारी और आपकी तरबियत के लिए आता है। हमारी रूह की तरबियत, हमारी जिस्म की तरबियत, हमारी तमाम तरह की तरबियतें और ट्रेनिंग्स होते हैं इस महीने के अंदर। लिहाजा हम ताकि अपने ईमान को जिस कदर मजबूत करेंगे, अपनी ईमानी कुव्वत को जिस कदर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इबादतों के जरिए से, आने वाले 11 महीना उतना ही आसान होगा। शैतान से हम उतनी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आने वाला 11 महीना हम गुजार सकते हैं मेरे भाइयों। और इसी तरह से रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर चंद बातों का हम ख्याल भी रखें, जैसे कि सहरी करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी किया करो, सहरी में अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए बरकत रखा है, तो सुन्नत समझ करके हम सहरी करें और सहरी खाया करें, गरचे एक खजूर ही क्यों ना हो। इसी तरह से इफ्तारी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया। जल्दी का मतलब ये नहीं कि वक्त से पहले हम खा लें, बल्कि सूरज जैसी गुरूब हो फौरन अजान सुनते ही हम क्या करें, इफ्तारी करें। बहुत सारे लोग कहते हैं एहतियात करना चाहिए, एहतियातन 3 मिनट 4 मिनट लेट करना बिल्कुल सुन्नत की मुखालिफत है, इन चीजों से हम बचें। इफ्तारी करते हुए बिस्मिल्लाह कह करके हम इफ्तारी करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आप खजूर या पानी या रतब, इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल जो हमको मैसर है वो किया करें। और इफ्तारी के बाद की जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाई वो ये दुआ है कि ज़हबज़्ज़मउ वब्तलतिल उरूक वसबत अल अज्र इंशाअल्लाह, रगें तर हो गईं और यानी प्यास जाता रहा, अज्र सवाब साबित अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह की तरफ से हो गया। तो लिहाजा ये उम्मीद लेकर के हम रोज़ा रखें, इन तमाम बातों का ख्याल रखें। और इसी तरह से जो लोग मुसाफिरीन होते हैं, सफ़र की हालत में होते हैं, उनके लिए शरीयत ने छूट रखी है, चाहे तो वो रोज़ा रखें या चाहे तो बाद में क़ज़ा करें। इसी तरह से वो औरतें जो हालत हमल में हैं यानी प्रेगनेंसी हालत में हैं, अगर उनको तकलीफ़ और परेशानी है तो बाद में क़ज़ा कर सकती हैं छोड़ करके, या दूध पिलाने वाली औरत वो भी समझिए अगर तकलीफ़ और परेशानी है तो बाद में, या इसी तरह से बीमार और मरीज वक्ती बीमार है तो ऐसी सूरत में कजा करें, या ऐसा मरीज जिसको बाद में शिफायाब होने की कोई उम्मीद नहीं है तो ऐसी सूरत में उसकी तरफ से फिदिया अदा करें, यानी एक रोजेदार को हम खाना खिलाएं। इस तरह से ये तमाम मसाइल को अपने जहनों के अंदर रखें, इल्म अपने अंदर बुनियादी तौर पर हासिल करने की कोशिश करें। और इसी तरह से रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने की जो अजमत है, जो एहतराम है, आप इस से इसका अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व ताला खुद इसका बदला देगा। अल्लाह तबारक व ताला तो हर अमल का बदला देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको ये बात, ये पैगाम हम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सौमुली, अल्लाह ताला
कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी बात है, कितनी फजीलत की बात है कि अल्लाह ताला ने रोज़े का ख़ास जिक्र करके ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन बातों को याद रखना, जिन बातों को जानना हमारे लिए आपके लिए अज़हद ज़रूरी सी चीज़ है। लिहाजा इस रमज़ान की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करें, रमज़ान के अंदर प्लानिंग बनाएं। आप आम दिनों की तरह रमज़ान के महीने को ना गुजारें सो करके, खा करके, पी करके, ऐसा नहीं, बल्कि हर काम को करें। लेकिन सबसे अहम टारगेट हमारी इबादत होनी चाहिए। इसी तरह से ख्वातीन भी सिर्फ पकाने खाने में अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए आप भी खूब इबादतों में अपने आप को लगाएं और खूब इबादतों में अपने आप को मसरूफ़ करें, तभी जा करके आप भी आखिरत में कामयाब हो सकती हैं। लिहाजा इन्हीं सारी बातों पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि रब्बुल आलमीन रमज़ान के महीने की अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमा, और इस महीने के अंदर जो लैलतुल कद्र है उसकी कदर करने, एतिकाफ़ इसकी जो फजीलत है उसे हासिल करने, और लैलतुल कद्र की जो दुआएं हैं इन तमाम चीज़ों के हमें एहतमाम करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।